hello my dear students welcome on biofun learning i am dr sarita agradi and in this session we are going to start class 10th chapter 8 that is how do organisms reproduce so what is reproduction reproduction means reproduce karna it is a biological process by which an organism reproduces and offsprings or young ones हु इज़ बायोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स मतलब अपने तरीके ही संतान या बच्चों की उत्पत्ति करना उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मैकेनिज्म क्या होता है जिसके जिस, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन होता है बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस जैसे कि हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में लाइफ प्रोसेसिस में पढ़ा है रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेनटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नेसेसरी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन रेस्परेशन डाइजेशन एक्सरेशन एक्सेट्रा लेकिन रिप्रोडक्शन नेसेसरी प्रोसेस में नहीं आता है और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपनी तरीके की और ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो अगर रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे इसमें क्योंकि रिप्रोडक्शन इज द मेन फीचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इसी की वजह से ही अर्थ पे लाइफ है रिप्रोडक्शन एनेबल्स एंड एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई होती खत्म हो गई होती सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से ही स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी हुई है अब आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो लिसन केयरफुली तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ऑर्गेनिजम्स उनकी तरह की एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज बनाते हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देम सेल्स आंसर इज नो जैसे कि आप सबको पता है सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम्स डीएनए से बने होते हैं DNA एन ए मींस डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिकसिज जो जीन कैरी करते हैं और जीन हेरिडेटरी मटेरियल है जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स रिप्रोडक्शन के टाइम रिप्रोडक्टिव सेल्स दो डी की कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं दीज डी एन ए कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल देर इज स्लाइट वेरिएशन सो द न्यू हैव स्लाइट वेरिएशन पेरेंट्स ऑस्क्रिंग्स पैरेंट से वेरी करेगी दिस इज द बेसिस फॉर वेरिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज सो वाई दिस वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट सी डी एन ए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट मतलब डी एन ए पर पूरा इंडिविजुअल का बॉडी डिजाइन डिपेंड होता है लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है वाटर लेवल्स चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं तो इन क्लाइमेट चेंजेस के साथ ऑर्गेनिजम्स को भी एडजस्ट होना पड़ेगा इसलिए ऑर्गेनिजम्स को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे जो कि डीएनए के वेरिएशन से ही आएंगे देन ओनली दे सर्वाइव सो वेरिएशन इन स्पीसीज इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ़ न्यू स्पीसीज एंड एज़ पर द डारविन थेरी only fittest will survive so the variation is necessary mode of reproduction so there are two types of mode of reproduction sexual reproduction and asexual reproduction the mode by which various organisms reproduce depend on the body design of the organism a sexual reproduction is the reproduction in which new individuals are produced from single parent and in sexual reproduction two individuals are involved to produce new individual or offsprings so this is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction in asexual reproduction it involves one parent and in sexual reproduction it involves two parents in asexual reproduction it involves no gametes and sexual reproduction involves two gametes that is male gamete and female gamete

फर्स्ट इज़ फीजन इट इज ऑफ टू टाइप्स बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन थर्ड इज बर्डिंग दैन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये प्लांट्स में होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स नैचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट स्टेम और लीव्स में होता है एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग ग्राफ्टिंग और लेरिंग से होता है That we will study in a detail after a while. Fifth is regeneration, and sixth is spore formation. So, these are the different types of asexual reproduction. So, first look at the fission. Fission is an asexual reproduction. In unicellular organisms, divide and new individual form. Hota hai. Fission is of two types binary fission and multiple fission. Binary fission. बाइनरी फ्यूजन बाय मीन्स टू सो इन दिस मेथड एंड ऑर्गेनिज्मिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स यियर यू कैन सी द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा अमीबा के बारे में आप सब पढ़ चुके हो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है इंटू टू न्यूक्लिया है दिस इज फॉलोड बाय द डिविजन ऑफ इट्स बॉडी इंटू टू ईच पार्ट रिसिविंग अ न्यूक्लियस फाइनली टू डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा In amoeba, the splitting of the two cells during division can take place in any plane, means horizontal, vertical, etc. But in Leishmania, it is in organized manner. This is the binary fission of Leishmania, which causes disease kala -Azhar. And second type of fission is multiple fission. In this method, one organism divides into many daughter cells. Nucleus divided multiple times by mitosis and multiple daughter cells produce for example plasmodium vivax malarial parasites which causes malaria second type of asexual reproduction is budding in this method organisms form one or more bulges or buds then buds grow and develop and then separate and new individual form for example hydra and yeast एंड द थर्ड टाइप ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन री जनरेशन मीन्स री करना फिर से जनरेट करना या फिर से प्रोड्यूस करना फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया हाइड्रा स्टारफिश एक्सेट्रा ये सब वाटर में होते हैं अगर इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो वो ब्रोकन पार्ट फिर से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर लेता है रीजनरेशन एक टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से होते हैं दैट इज़ द रीजनरेटिव सेल

क्योंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स से बने होते हैं सो देर इज़ नीड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन बट इन स्पायरोगैरा देर इज अ सिंगल सेल टाइप इन दिस ऑर्गेनिजम्स दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग एंड प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल्स एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फोर फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल राइजोपस म्यूकर पेनेसिलियम एक्सेट्रा कभी अपने ब्रेड देखी है जो काफ़ी दिनों से रखी है उस ब्रेड पर राइजोपस ग्रो करने लगते हैं एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस डेवलप्ड ऑन ब्रेड उसको हाइफी कहते हैं दिस इज़ नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके ऊपर बल्ब लाइक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं स्पोरेंजिया इज रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं जैसे ही स्पोरेंजिया स्पोर्स बर्स्ट हो जाता है तो स्पोर्स स्प्रेड होते हैं और स्पोर को जैसे ही वो मॉइस्ट सरफेस पे स्प्रेड होते हैं इट बिगिन्स टू ग्रो एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल सो द सिक्सथ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रपोगेशन इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट स्टेम और लीव प्लांट यूजअली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वन पार्ट इज वेजिटेटिव पार्ट दैट इज रूट स्टेम एंड एंड अनदर पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर्स प्लांट प्रोड्यूस्ड बाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर दैन दो प्रोड्यूस फ्राम द सीड मतलब जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस होते हैं उनमें जल्दी फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं और जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होते लाइक जैसमीन रोज बनाना वो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑफ टू टाइप्स Natural vegetative propagation, uh, that is root, stems, and leaves edge of propagation, and artificial vegetative propagation by cutting, layering, and grafting. Here you can see the natural vegetative propagation, like root of sweet potato, stem potato, and leaf bifrilum. Sweet potato is root. There is a small hairy growth like root on sweet potato. So sweet potato is root it develops into new plants next is stem potato is the stem which develops into new plant you must have seen the buds on potato next is leaf bryophyllum buds produced along the leaf margin of the bryophyllum fall on the soil and develops into new plant so these are natural vegetative propagation from root stem and leaves and then artificial vegetative propagation by cutting इसमें सिंपली प्लांट के एक ब्रांच को स्लांटिंग पोजीशन में कट करते हैं और दूसरे पॉट में लगा देते हैं और वहाँ वो प्लांट फिर से ग्रो करने लगता है फॉर एग्जाम्पल रोज़ की कलम रोज़ के एक ब्रांच को कट करके दूसरे पॉट में लगा देते हैं और वहाँ ग्रो करने लगता है देन ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में किसी एक प्लांट का वन पोर्शन लेते हैं उसको दूसरे प्लांट के स्टेम रूट या ब्रांच के साथ ग्राफ्ट कर देते हैं बांध देते हैं और वो पार्टनर्स यूनियन फॉर्म करते हैं एंड ग्रो करते एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट की तरह नेक्स्ट आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपजेशन इज लेयरिंग लेयरिंग में पैरेंट प्लांट का एक ब्रांच या स्टेम का एक पोर्शन सॉइल के अंदर से निकाल लेते हैं और जब उसे जब वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो करने लगता है तब उसे पैरेंट प्लांट से डिटैच कर देते हैं काट देते हैं दिस इज़ लेयरिंग टेक्निक इट इज़ कॉमनली यूज्ड।